I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Rugby College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you all a new topic, that is use of AI in education. कितनी बात हो रही है AI की ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत 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 बात हो रही है. और हमारी आपकी बात अभी AI पर नहीं हुई थी. इस स्लाइड का पहली स्लाइड इस PPT की मिसिंग है, इसलिए यहाँ से शुरू आए. नो प्रॉब्लम एट ऑल. तो शुरुआत करेंगे बहुत क्विक. बहुत ब्रॉड टॉपिक है, इस पर बहुत बात की जा सकती है, लेकिन एकदम क्विक, इतना कि एक बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको AI की हो जाए. आई हैव ट्राइड टू शेयर विद यू ऑल दैट यूज ऑफ AI इन एजुकेशन. बिफोर दिस वी हैव टू नो व्हाट इज AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी इतनी बात हो रही है आजकल? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या जिसको AI के नाम से जाना जाता है, रिफर्स टू कंप्यूटर सिस्टम्स capable of performing complex tasks that historically only a human could do, such as reasoning, making decisions or solving problems. यही बात है बस. हमको कोई कहानी नहीं बतानी, कोई इधर उधर की बात नहीं करनी. सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम उन कंप्यूटर सिस्टम्स को कहेंगे कि उनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो योग्य हैं, capable हैं कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म करने के, जो कि पहले हिस्टोरिकली इतिहास में ऐतिहासिक दृष्टि से केवल एक मनुष्य कर सकता था. जैसे कि तर्क करना, निर्णय लेना और समस्या का समाधान करना, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन की कैपेबिलिटी थी. बट अब कंप्यूटर सिस्टम्स भी केपेबल हो गए हैं ये करने के लिए, इसीलिए उनको कहा जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. कि इंटेलिजेंट तो है बट आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है. ये इंटेलिजेंस हमने ही उनको प्रोवाइड किया. दैट मीन्स दे हैव नॉट इनहेरेंट इंटेलिजेंस इन देमसेल्व्स, बट दे हैव आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट. सो AI क्या है? इट इज एन अम्ब्रेला टर्म दैट इनकम्पासेस अ वाइड वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजीज. बहुत सारे इसमें टर्मिनोलॉजी आती है, जैसे कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसको NLP के नाम से जाना जाता है. तो मशीन लर्निंग AI नहीं है, मतलब ये इनके सबसेट हैं, इनके इनसे मिलके बनी. मतलब मशीन लर्निंग इज नॉट इक्विवेलेंट टू AI, डीप लर्निंग इज नॉट इक्विवेलेंट टू AI एंड NLP इज नॉट इक्विवेलेंट टू AI, बट दीज आर द टर्म्स दैट कम अंडर द ब्रॉड टर्म दैट इज AI. ओके, फिर स्ट्रॉन्ग AI और नैरो AI, ये होता है एक में, मतलब कहाँ मजबूत, कहाँ शक्तिशाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कहाँ थोड़ा सा कमज़ोर है. तो जो स्ट्रॉन्ग AI है वो है कि केपेबल ऑफ ह्यूमन लेवल, मतलब वो AI जो ह्यूमन लेवल की जिसके पास इंटेलिजेंस है, जनरल इंटेलिजेंस. इन अदर वर्ड्स इट्स जस्ट अनदर वे टू से आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, मतलब मनुष्य के जैसे बिल्कुल काम करेगा वो स्ट्रॉन्ग AI. लेकिन वीक AI मीनवाइल रिफर्स टू द नैरो यूज ऑफ वाइडली अवेलेबल AI टेक्नोलॉजी. यानी वाइडली अवेलेबल जो AI टेक्नोलॉजी है उसका थोड़ा संकीर्ण अगर यूसेज करें तो वो वीक AI, लाइक मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग. यानी मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग वीक AI के टाइप्स हैं. टू परफॉर्म वेरी स्पेसिफिक टास्क सच एज प्लेइंग चेस, आप वीक AI से खेल सकते हैं. रिकमेंडिंग सॉन्ग्स, जैसे कि हम एलेक्सा से कहते हैं, एलेक्सा प्ले द सॉन्ग विच आर क्लोज टू माई हार्ट, है ना. और स्टीयरिंग कार्स, ये सब जिसमें हम गूगल मैप से करते हैं, वो हमको रास्ता बताता जाता है, ये सब वीक AI है. ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस ANI, वीक AI इज एसेंशियली द काइंड ऑफ AI वी यूज डेली. और यही वीक AI है जिसको हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, नेटफ्लिक्स पे, हम अपने एलेक्सा पे, सेरा पे, गूगल मैप, ये सब वीक AI के एग्जाम्पल्स हैं. फिर मशीन लर्निंग और AI में फिर क्या अंतर है? इन सिंपलेस्ट टर्म्स AI इज कम्प्लीट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट मिमिक्स द वेज दैट ह्यूमंस थिंक इन ऑर्डर टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क सच एज एनालाइजिंग, रीजनिंग एंड लर्निंग. यानी कि AI जो है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में मिमिक्स वेज, मतलब वो अनुकरण करता है कि ह्यूमंस किस तरीके से कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म करते हैं, जैसे विश्लेषण करना, तर्क करना, ये सब, है ना. मशीन लर्निंग मीन वाइल इज ए सबसेट ऑफ AI, मतलब AI का एक सबसेट मशीन लर्निंग है. ये क्या करता है? यूजेज एल्गोरिदम्स ट्रेन्ड ऑन डेटा टू प्रोड्यूस मॉडल्स दैट कैन परफॉर्म सच कॉम्प्लेक्स टास्क. यानी कि ये मशीन की लर्निंग एक तरीके से ना, उसमें आपने फीड किया हुआ है, डेटा को ट्रेन किया हुआ है, जिससे कि वो मॉडल बन जाता है, जिससे कि आप कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म कर सके. Most AI is performed using machine learning, so the two terms are often used synonymously. क्योंकि बहुत सारा जो AI है वो machine learning से होता है, इसलिए हम कई बार machine learning और AI को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि गलत है. machine learning AI का एक subset है. But AI actually refers to the general concept of creating human-like cognition using computer software, while ML is only one method of doing so. मतलब AI को क्या करना है? Computer software ऐसा हो जो human-like cognition कर सके, और ML सिर्फ उसका ये करने का एक तरीका है. फिर AI में और क्या क्या आता है? मशीन लर्निंग के साथ साथ डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और रोबोटिक्स भी आती है. तो मशीन लर्निंग तो हमने जान लिया, डीप लर्निंग क्या है? ये भी एक ML, ये ML का सबसेट है.
मतलब एआई का सबसेट मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग का सबसेट डीप लर्निंग है, इन विच आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स दैट मिमिक द ह्यूमन ब्रेन आर यूज टू परफॉर्म मोर कॉम्प्लेक्स रीजनिंग टास्क विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, यानी हम इंटरवीन नहीं करेंगे लेकिन वो काम हो जाएगा. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज अ सबसेट ऑफ कंप्यूटर साइंस, एआई, लिंग्विस्टिक्स एंड एमएल. मशीन लर्निंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग फोकसेस ऑन क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर केपेबल ऑफ इंटरप्रेटिंग ह्यूमन कम्युनिकेशन. कहते हैं ना कि हम किसी भाषा में बात कर रहे हैं, वो ट्रांसलेट हो जा रहा है किसी और भाषा में अपने आप समझ के हिसाब से, उसमें हमको कोई इंटरवीन करने की जरूरत नहीं है. तो ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करती है. और रोबोटिक्स, ये भी एआई का सबसेट है, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सबसेट है. इसमें ये क्या होता है कि हम क्रिएट रोबोट्स बनाते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स टास्क और लर्निंग को परफॉर्म कर सकता है रियल वर्ल्ड एनवायरमेंट में. तो ये सब एआई के सबसेट हो गए. फिर ये आपका आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. देखिए इसमें कई चीज़ें, मतलब आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं तो भी मोटा मोटा जान लीजिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देखिए मशीन लर्निंग है ना इसका एक सबसेट. उसमें मशीन लर्निंग के टाइप्स पूछे जा सकते हैं, चार तरीके की होती है, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, रीइंफोर्स एंड और डीप लर्निंग. टाइप्स ऑफ एआई आपको पता होना चाहिए. आजकल के इतने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एआई एकदम बज वर्ड है कि ये तीन तरीके की होती है. देखिए आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस जो ह्यूमन से कमतर करेगा, जनरल इंटेलिजेंस जो ह्यूमन जैसा करेगा, और सुपर इंटेलिजेंस जो ह्यूमन से भी बेहतर परफॉर्म कर सकता है. फिर कॉम्पोनेंट्स ऑफ एआई, एआई किस किस से मिलकर बना है. नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग, परसेप्शन, एक्शन, कम्युनिकेशन, प्लानिंग, लर्निंग, ये सब क्या करता था, ये सब मनुष्य करता था, तो ये सब एआई करने लगा. ऑप्टिमाइजेशन, ये थोड़ा सा आपके लिए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वाला शब्दावली हो जाएगी. ऑटोमेटेड प्लानिंग एंड शेड्यूल, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, देखिए टेक्स्ट को भी ये ट्रांसफर कर सकता है, स्पीच में, स्पीच को टेक्स्ट में, ये सब कर सकता है स्पीच. रोबोटिक्स, ये आपके मतलब का नहीं है. कंप्यूटर विजन, ये सब आपको भाषा नहीं पता होगी लेकिन ये सब इसके काम है. और नॉलेज बेस्ड सिस्टम में लिंक सिस्टम, इंटेलिजेंस एजेंट, एक्सपर्ट सिस्टम, केस बेस्ड रीजनिंग. इतना वाइड है एआई, ठीक है. ये तब भी मैंने छोटा बताया. और एआई एंड एजुकेशन, हज़ारों इसके यूसेज हैं. फिर भी मोटा मोटा अगर आप देखें तो आप लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में इफेक्टिव मैनेजमेंट कर सकते हैं, ऑटोमेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज़ का ऑटोमेशन हो सकता है, वर्चुअली हम गाइड कर सकते हैं स्टूडेंट को, ग्लोबली एक्सेसिबल है. डिफरेंशिएशन एंड इंडिविजुअलाइजेशन इन लर्निंग, एकदम टेलर मेड आपके लिए टेस्ट बनाया जा सकता है, टेलर मेड आपके लिए टेक्स्ट बनाया जा सकता है, कंटेंट बनाया जा सकता है एआई के हिसाब से, क्योंकि एआई को पता है हमारा इंटेंट क्या है, हमारी लाइकिंग क्या है, डिसलाइकिंग क्या है, उस हिसाब से हमारे लिए कोर्स बना सकती है. और फिलिंग गैप्स बिटवीन लर्निंग एंड टीचिंग, होता क्या है, हम आपको टीच तो करते हैं पर आप लर्न नहीं करते, तो ये जो गैप है इसको एआई की मदद से फिल किया जा सकता है. और ये भी कुछ एआई का यूसेज है एजुकेशन में, जैसे कंटेंट रिकमेंडेशन, ये रिकमेंड करके बता सकता है कि क्या कंटेंट हमारे लिए अच्छा है. भाई हम जो मोबाइल पे सर्च करते हैं उसमें एआई है, वो हमको वही कंटेंट तो देता है रिकमेंड करके. आप एक बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्च कर लीजिए तो वही आता रहेगा. लर्निंग एनालिटिक्स, पूरा हमारी लर्निंग की एनालिटिक्स हो जाएगी कि हमने कब एंटर किया कोर्स में, तब हम कैसा परफॉर्म कर रहे थे, अब हम निकल रहे हैं तो कितना परफॉर्म कर रहे हैं, सब कुछ. करिकुलम प्लानिंग, इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम, ऑटोमेटेड ग्रेडिंग एंड असेसमेंट, और चैटबॉट्स एंड वर्चुअल असिस्टेंट. चैटबॉट ना जो हम मतलब कि जो जो टाइप्ड रिकॉर्डेड पहले से होते हैं, जैसे हम FA जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन FAQs वगैरह में पूछे जाते हैं बहुत सारे प्रश्न, तो कोई आदमी नहीं बैठा वहाँ उनके आंसर देने के लिए, चैटबॉट में फीड कर दिया गया है कि ये प्रश्न होगा तो इसका ये उत्तर आपको मिल जाएगा. तो इस तरह से इन्यूमरस यूसेज है. लेकिन चूंकि ये चूंकि हमारे कोर्स में अभी नहीं आया है तो हम जनरली बस AI सुनते हैं और बहुत सारे मिथ्स और मिसकंसेप्शंस इसके बारे में पाल रखते हैं. तो ये जनरल कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपके लिए कि व्हाट इज़ AI, ओके, एंड व्हाट आर दी इट्स मेन यूसेज इन एजुकेशन. इसके बहुत यूसेज हैं. बस ये है कि हमको AI को ज्यूडिशियसली यूज़ करना है क्योंकि इसके हार्म भी उतने ही है. इथिकल इश्यूज़ बहुत है AI के साथ कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में हमारी आवाज़ रिकॉर्ड करके हमारी आवाज़ में कोई और कुछ किसी को कोई भी आंसर कर देगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है. तो ये तो बस एक प्राइमरी प्रिमिटिव वीडियो ऑन AI. सो बी लर्नेड अबाउट AI आफ्टर दैट. सो थैंक यू, एंड इन दिस वे आई हैव कवर्ड दिस वेरी रेलिवेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू. सो थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन. आई हैव डन फ्रॉम माई साइड.